हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी प्रकार से लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। और इस क्वेश्चन में क्या है आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने में देरी करे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टेंट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन, जो ये लेटर लिखा हुआ है, डू द फोर आई आईज नॉट कम टूगेदर। चार आईज, जो आई है ना इसमें, ये आई बनी हुई है इसमें, चार आई वो हमें ली नहीं गई हैं। और ये कब नहीं ली गई हैं वो आपको समझाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये वर्ड दिया है, इसे लिख लेते हैं हम, आई एस एस आई पी पी आई। देखिए ये क्वेश्चन में मुझे दिया गया है। तो देखिए इसमें टोटल अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने देखा हो चैप्टर 15 में, उसमें फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो फिर किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए इसमें एम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एम सिर्फ एक ही बार आया तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी हो गई, और आई कितने बार आई है, चार बार आई आई, तो इसकी क्या होगी, चार फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आई इज इक्वल टू 4, ऐसे इसकी ये चार बार फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से एस, एस कितने बार आया, चार बार, तो एस लिख लीजिए और ये चार फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई। और देखिए पी, पी कितने वाला आया है हमारा, दो बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें टोटल वर्ड कितने दिए गए हैं, टोटल नंबर्स यहाँ लिख लीजिए, टोटल नंबर्स कितने दिए गए हमें, एन इज इक्वल टू 11, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है हमारे, कितने, 11। अब देखिए एन इज इक्वल टू तो हमें मिल गया, कितना है, 11। अब आर इज इक्वल टू तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो देखिए इसमें फॉर्मूला के अनुसार ही चलते। देखिए फॉर्मूला आपने देखा हो, ये फॉर्मूला लगता है, एन पी परम्यूटेशंस आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगता है। तो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या होगा, अब बताते हैं आपको। देखिए हमें एन मिल चुका है कितना, 11, और पी आर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हम 11 रखेंगे, 11 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कैसे, देखिए जो हमें जितने भी नंबर दिए गए ना उनकी फ्रीक्वेंसी से ही हमें डिवाइड करना होगा जो हमें ऊपर दिया गया है उसको। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी, आई की फ्रीक्वेंसी 4 और एस की फ्रीक्वेंसी 4 है और पी की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसी के अनुसार चलना है मुझे। तो देखिए अब मैंने लिख लिया, ये फ्रीक्वेंसी से ही डिवाइड करना है मुझे इन सारे वर्ड्स को। तो देखिए अब क्या हुआ, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो 11 इंटू 9 सॉरी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें नीचे 4 दिख गया तो मैंने 4 फैक्टोरियल कर लिया, अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, इसको मैंने बोल दिया और इसको भी बोल दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए अब इस फोर से मैंने ये 8 कैंसिल आउट कर दी, कितने बार, 2 बार, ठीक है, और इस 2 से ये हमारे 2 कैंसिल आउट हो गए, ये समाप्त। अब इस 3 से मैंने 6 कर दिए, कितने बार, 2 बार, तो ये नीचे के 2 भी कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें बचा क्या क्या, देखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 हमारे ये वर्ड्स बचे। तो देखिए अब इसके आगे क्या होगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, और इसका इसमें करेंगे तो 63,
963 ही होते हैं ना, यहाँ 5 कर लीजिए, इज इक्वल टू 110, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने आ जाएंगे, 5 3 15 और 1 कैरी, और 3 6 30 31। ओके अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ इस साइड करते हैं मल्टीप्लाई, 31 और 110 तो 0 0 0 0, एंड 1 का करेंगे तो 315 इंटू 315, तो 0 5 6 4 और 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 3 4 6 5 0। तो ये हमें 11 PR का ये आंसर निकला है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट का ये आंसर है। अब देखते हैं इसका जो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए ऊपर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब देखिए इसमें जो आई है ना वो हमें इंक्लूड नहीं करनी है, तो देखिए अब क्या होगा, यही बताते हैं इसी साइड से आपको, ठीक है यही बताते हैं आपको। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि 4 आई को कम टुगेदर कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ देख लिए 4 आई आर, या आर ना लिख के कम्स टुगेदर लिख दोगे तब भी सही है, कम्स टुगेदर। ओके ये मैंने कर लिया, अब देखिए क्या करना है, अगर मैंने यहाँ 4 आई कर ली, 4 आई ये कर ली मैंने, अब ये क्या है, एक अपने आप में एक फर्स्ट, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये एक है मेरा, 4 आई को एक बार लेना है पूरा, जैसे इसमें 12 है, कितने 11 नंबर्स हैं, ये 11 वर्ड्स हैं ये, तो इसमें 11 में क्या है, हमें जितनी भी आई है ना उसे सिर्फ एक बार ही गिनना है, कितना एक ही बार, तो देखिए अब क्या है, उसके बाद बच्चे कितना 7 बच्चे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चे 7, और यहाँ लिख लीजिए ये कितनी 7 और ये 1, तो आई सिर्फ एक ही बार गिनी जाएगी और बाद बाकी बच्चे लेटर वो अलग, तो इस ये एन इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 8, क्यों 1 ये और ये 7, तो कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब 4 आई आर टुगेदर, 4 आई आर टुगेदर, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो 8 फैक्टोरियल बाद अपॉन, और क्या होगा फिर, यहाँ 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें देखिए हमें आई को तो सिर्फ एक ही बार लेना था, एक ही बार तो लेना था, अब बचे क्या, एस का फैक्टोरियल लिख दो और पी का फैक्टोरियल क्या है वो लिख दिया है यहाँ, तो ये इसी तरह से होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गए और 2 3 6 हो गई, तो 8 7 56 इंटू 15, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 30 3 25 और 28 इंटू 5 6 0 14, और ये कितने 7 है और 8, इसका आंसर गया है 840, 840 आ गया 12। अब देखिए इसमें समझने की बात तो यही है बस, अब देखिए इसमें 4 आई को मैंने लिख लिया, अब इन 4 आई को इसमें तो भी तो ले लिया था मैंने, जो 4 आई हैं उसमें ये 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसमें 4 आई का भी तो इंक्लूडन है इसमें, तो हम जो आई की वैल्यू निकली है हमारी, जिसमें आई की जो हमें 8840 दिया गया है ना, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे इसमें से आई की इंक्लूडन जो होगी वो हट जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, 4 आई नॉट कम्स टुगेदर, ठीक है, इसमें से 4 आई को इंक्लूड हटा देते हैं। अब देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 3 4 6 5 0, और माइनस की कर दो इसमें से 4 आई, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें देखिए यहाँ माइनस कर देते हैं हम आपको दिखाई दें, 840, तो 0 की 0 यहाँ कितना है 1, यहाँ से ये लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 8, और यहाँ कितने बचेंगे 3 और 3, तो 3 3 8 1 0, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, यही वीडियो को समाप्त करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को।
और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।